بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین حضرات محترم ہر قسم دی حمد و ثنا پوری کائنات دے خالق مالک رازق داتا رب رحمان واسطے ہے، درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے۔ حضرات محترم، قرآن پاک دا جو مقام تو صحباب دے سامنے میں تلاوت فرمائے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے ایمان والین مخاطب فرمائے، مخاطب فرمان تو بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دا حکم دیتے، او چیز میں تواڈے سامنے حکم بیان کرنا چاہاں۔ فرمایا کہ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اللہ تعالیٰ دے کولو ڈرنا بھی اے اور سچ بھی بولنا۔ موتا امام مالک دی روایت ہے، حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ ایک سوالی نے سوال کیتا، اللہ دے پاک پیغمبر جی، آیا کون المؤمن جبانا، عرض کیتی سونیا مومن جڑا ہے بز دل ہو سکدے؟ فرمایا نعم، مومن بز دل ہو سکدے۔ اگر اس حدیث تے تھوڑا جا تسی غور کرنا چاہو تے اپنے علاقے دے کئی ایسے لوگ بھی نظر آن گے، بڑے بز دل ہون گے، کلمہ تے پڑھیا مگر انہاں دے اندر اتنا جگرہ نہیں کہ کسی دا مقابلہ کر سکے۔ پھر سوال کیتا، اللہ دے پاک پیغمبر جی، آیا کون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکدے؟ فرمایا نعم، مومن بخیل بھی ہو سکدے۔ اپنے معاشرے اندر نظر دوڑھاؤ، کلمہ گو نے جناب ایک کوڑی بھی اللہ تعالیٰ دے رستے اندر خرچ کرنا گوارا نہیں کر دے۔ پھر سوال کیتا، آیا کون المؤمن کذابا، سونیا مومن جھوٹا ہو سکدے؟ نالی میرے پیغمبر نے فرمایا لا لا لا،
मोमन झूठा हो सकता। पहले फरमाया नाम मोमन उस दिल भी हो सकते, मोमन बखील भी हो सकते, तो जो झूठ की वारी आई फरमाया मोमन झूठा हो सकता। और याद रखिए जेड़ा झूठ बोलता नजर आ जाए समझ ले ए मोमन हो सकता, ए बखील और बुज दिल तो भी ज्यादा बदतर है, एदा इस्लाम नाल कोई ताल्लुक। एक और हदीस समाज फरमाइए सही मुस्लिम दी है, अल्लाह ताला दे पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया हवाले दा जिम्मेदार, फरमाया कि सच नेकी दी तरफ लैके जांदे, नेकी इंसान नू जन्नत दे वल लैके जांदी और जन्नत इंसान नू रब दे करीब कर देंदी। फरमाया कि इंसान सच बोलदे किदों तक, अपनी पूरी जिंदगी दे अंदर सच ही बोलदे और इरादा रख दे, दुआ कर दे अल्लाह मेरी जुबान तो झूठ ना निकले, अल्लाह सुबह दी नमाज पढ़ी है शाम तक मालका मैं जो भी करां जुबान तो हक और सच बयान होए। फरमाया कि फिर एक वक्त ऐसा आ जांदे ओदे अमाल नामे दे अंदर अल्लाह ताला सिद्दीक लिख देंदे ने। की लिख देने? सिद्दीक। सिद्दीक दा माना किया सच बोलन वाला, सिद्दीक दा माना किया सच्चा इंसान। फरमाया कि जदों ये दुनिया तो जांदे अल्लाह ताला इस बंदे नू अपनी जन्नत दा मेहमान भी बना देंदे ने। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनहो दा साथ भी नसीब फरमा देंदे। ये तो सच्चे बंदे दी है ना। फरमाया दूसरी साइड ते आ जाओ, झूठ इंसान नू गुनाह दी दावत देंदे, गुनाह इंसान नू जहन्नम दी तरफ लैके जांदे। और यही बंदा फरमाया कि सारी जिंदगी झूठ बोलदे सच दा इरादा भी नहीं करदा। फरमाया फिर एक वक्त ऐसा आंदा है इहदे अमाल नामे दे अंदर जनाब कज़ाब लिख दिता जांदे, झूठा लिख दिता जांदे। फरमाया जो दुनिया तो चला जांदा है ना, मर जांदे, दुनिया दी जान छोड़ देंदे, अपने साह पूरे कर लेंदे। फरमाया कि फिर इनू जहन्नम दा ईंधन बना दिता जांदे और अल्लाह ताला दी लानत दा मुस्तहिक बना दिता जांदे। अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह। इतना बड़ा जुर्म है अज साडे माशरे अंदर, सच झूठ की पहचान नहीं रह गई। बड़े बड़े मुत्तकी तुहानू जनाब थोड़ी जी परेशानी आ जाए झूठ बोलते नजर आएंगे। खुदारा अपनी इस्लाह कीजिए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते ने, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिदो तक इंसान झूठ बोलना छड़दा नहीं, सच ते इस्तकामत इख्तियार नहीं करदा, फरमाया उन्नी देर तक कामल ईमान वाला उन्नी देर तक उदा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। अगली हदीस फरमाया जिदो बंदा झूठ बोलदा है ना, अपनी जुबान तो गंदे अल्फाज बोलदा, अपने मुसलमान भाई दे नाल झूठ बोलदा, गल कोई है बना के कोई दस रहे है, फरमाया कि इहदे मुंह दे अंदरों निकलण वाली बदबू इन्नी खतरनाक है। फरमाया कि जिहड़ा रहमत दा फरिश्ता है ना, इहदे तो एक मील दूर चला जांदे और रब दे सामने इल्तिजा करदा, मालका तेरा कैसा बंदा है जिन्हों हुक्म ते तू दिता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्ता कुल्लाहा वकूनू मासादिकीन। रब दे कोलो डरना भी है सच भी बोलना है। अल्लाह ते झूठा दी तार टुटन नहीं दे रहा। खुदारा अपनी इस्लाह कीजिए। और मेरे नबी ने फरमाया सब तो बड़ी खयानत, उस खयानत दा नाम झूठ है, उस खयानत दा नाम झूठ है। वो वजह
क्योंकि जिस मुसलमान के सामने तुसी अपनी बात बयान कर रहे हो, तुसी अपना जनाब एक इजहार फरमा रहे हो, दिलों कुछ जबान तो कुछ कह रहे हो, मुसलमान ओ ही हुंदे जिहड़ा अगले की गल ते यकीन कर लवे। अगला बंदा यकीन कर रहे एतमाद कर रहे मगर तेरी जुबान तो झूठ निकल रहा है। फरमाया इद तो बड़ा खयानतदार बंदा हो सकदा, तू जितनिया मर्जी नमाजा पढ़ रोजे रख जकात अदा कर, अगर तू झूठ नहीं ना छड़िया दुकान ते बैठ के तिजारत दे मामले अंदर अपने भाई दे नाल सच नहीं बोलिया, समझ ले कि तेरी दुनिया भी तबाह हो गई और आखरत भी तबाह हो गई, क्योंकि खाइन बंदा जन्नत अंदर नहीं जा सकता। अल्लाह ताला दे हुजूर दुआ है, अल्लाह ताला सानू इस गंदी बीमारी तो महफूज फरमाए। जिन्हां दा बचन ते दिल कर दे कहो आमीन। अल्लाह ताला सानू सच बोलन दी तौफीक अता फरमाए। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मैनू हक और सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। तुसी अहबाब जो समाद फरमाओ अल्लाह सुनन तो बाद सही मानियां दे नाल अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। अज दा जिहड़ा मजमून है ना ये भी साथियां दी यानी कि फरमाइश ते है कि सच और झूठ अंदर फर्क, मगर इस मजमून दा नाम अपने जहन अंदर मुनक्कश फरमा लो, सच दे फायदे झूठ दे नुकसान। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीनाए पाक ते नाज़िल गुण वाला अल्लाह दा कुरान सच और झूठ दी पहचान। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वकूनु मासादिकीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे इस मुकाम ते सब तो पहला ईमान वालियां दा नाम लिया है। फरमाया ए ईमान दा दावा करने वालो अपने आप नो मोमन कहने वालो अपने आप नो ईमान वाले कहने वालो। फरमाया कायनात दे लोगो ईमान दा दावा करने वालो अल्लाह ताला दे कोलों डरना है और सच्चियां दा साथ देना है, सच बोलना है, अपनी जुबान तो झूठ बोलना नहीं झूठ बोलना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह जी तुसी कुरान अंदर सच दा हुक्म ते दे दिता है, अल्लाह जी तुसी हुक्म दे दिता है सच्चियां दे लड़ लग जाना है, सच्चियां दी सोबत इख्तियार करनी है, सच्चियां दे संग लग जाना है। अल्लाह जी सच्चे कौन ने? अल्लाह फरमांदे ने मेरा बंदा मैं ते कुरान अंदर हर इलम रख दिता है ना, मगर अफसोस तू कुरान कदी पढ़िया ही नहीं। कुरान पढ़ तेनू हर चीज का इलम मिल जाएगा। अल्लाह फरमांदे ने आ मैं तेनू दसा सच्चा कौन है। फरमाया वा मन असदको मिनल्लाही हदीसा। फरमाया सब तो पहला सच बोलन वाला अल्लाह है। कौन है? सब तो पहले सच बोलन वाला अल्लाह है। अल्लाह है। अल्लाह तो इलावा कोई ज्यादा सच बोलन वाला वो बोलो तो सही, अल्लाह तो ज्यादा कोई सच बोल सकता। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह जी तो है बच्चियां नु फड़ के बैठाओ, कोई साथी उठे ना बच्चियां नु
बदमनी पैदा हो जाती है। इस तरह बच्चों कोशिश करया करो, जरूर ले आओ, मगर बच्चों अपने करीब बिठाया करो। बच्चे कभी इधर दाएं बाएं दौड़न, सारी बात का जड़ा ना यानी कि लुत्फ खत्म हो जाए। बच्चों करीब बिठाया करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाह में कुर्बान जावाम। फरमाया वा मन अस्दको मिनल्लाही हदीशा, अल्लाह सब तो पहले सच बोलन वाले ने, अल्लाह जी थोड़े तो बाद। फरमाया वल्लजी जा बिस्सिदकी वसद्दका बिही उलाइका हुमुल मुत्तको। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। फरमाया अल्लाह तो बाद ओ सच बोलन वाले ने जेड़े सच लेके आए ने, जिन्ना ने सच दी तस्दीक कीती है ना। सच कौन लेके आए ने? सच अल्लाह दे पैगंबर लेके आए ने। सच कौन लेके आए ने? हजरत आदम सच लेके आए ने। इंज कह लो, हजरत आदम भी सच्चे, हजरत नूह भी सच्चे, हजरत इब्राहिम भी सच्चे। मुताला करिए कुरान पाक दा, सूरह मरियम दा मुताला करो। फरमाया वाज़कुर फिल किताबी इब्राहिम। अल्लाहु अकबर। फरमाया वाज़कुर फिल किताबी इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया। इब्राहिम कौन है? सच बोलन वाला। इस्माइल भी सच बोलन वाले। वाज़कुर फिल किताबी इस्माइल इन्नहु काना सादिकल वादी वकाना रसूलन नबिया। हजरत अदरीस भी सच बोलन वाले। वाज़कुर फिल किताबी इदरीस इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हजरत मूसा भी सच बोलन वाले, हजरत ईसा भी सच बोलन वाले। और मैं कुर्बान जावा, मेरे पैगंबर भी सच बोलन वाले। और कुर्बान जावा, मेरे पैगंबर दा सच इंजदा ना, आज दे दिन तक किसे दा सच इंजदा नहीं। हजरा दो मिसालां तेरी नजर करन लगा है, वेख नजरा कोहे सफा गए। 40 साल मेरे पैगंबर की उम्र गो गई है ना, कोहे सफा ते खड़े गो गए ने। और खड़िया गौन तो बाद मेरे पैगंबर ने ऐलान किया, फरमाया या अय्युगन्नास, ऐ लोगो आओ ना, मैं तुहानू एक गल करना चाहना। आओ ना कुरैश वाले, तुसी भी आ जाओ। आओ ना मेरे जनाब दाद की, तुसी भी आ जाओ। आओ ना मेरे रिश्तेदार, तुसी भी आ जाओ। आओ ना गैर रिश्तेदार, तुसी भी आ जाओ। अल्लाहु अकबर, सारे जमा गो गए ने। मेरे पैगंबर फरमा देने ओए मक्के दे अंदर जिंदगियां बसर करने वालों, मैं तुहाडे दरमियान 40 साल दी जिंदगी गुजारी है ना। दसो ना मेरी तबीयत तो तुहानू की महसूस होया है ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। सारे भैया जुबान को करके कहंदे ने ऐ मुहम्मद असी तेनू सादी कुल अमीन पाया है, असी तेनू सच्चा समझे है, असी तेनू अमानतदार समझे है। ओए नौजवाना, इस पैगंबर दा कलमा पढ़िया ही ना झूठ बोलन लगिया शर्म नहीं आंदी। ओए बजुर्गा, इस पैगंबर दा कलमा पढ़िया ही ना झूठ बोलन लगिया हया नहीं आंदी। अल्लाहु अकबर, कौन ने? काफर ने ते मेरे पैगंबर दी सच्चाई दी दावत दे रहे ने, गवाहियां सच्चाई दियां दे रहे ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाह।
अपने मजमून के मुताबिक इतनी बात ना वाकिया ते तवील गए मगर अपने मजमून के मुताबिक बात करना चाहना। आइए मेरे पैगंबर दे सच दी एक और दलील सुनिए। अज मेरे पाक पैगंबर मक्के ओ मदीने दे अंदर चले गए ने। अल्लाह अकबर मदीने दे अंदर पहुंचे ने लोक चौक दर चौक मेरे पैगंबर दे कोल आंदे पे ने आके कलमा पढ़ते पे ने आके इस्लाम कबूल करते पे ने। इन्हां लोगां दे अंदर एक यहूदियां दा बहुत बड़ा आलिम ना इंज करके मेरे पैगंबर दे कोल आया आके अर्जा करदा अल्लाह अकबर इंज कलमा पढ़न वास्ते आया है इंज थोड़ा जा दूर हट के खलोता है ना ताकि कितार लगी है ना कितार खत्म होएगी तो मैं कलमा पढ़ांगा। थोड़ा जा दूर खलोता है ना मेरे पैगंबर दा चेहरा वेखिया केड़ा चेहरा जिदे बारे अल्लाह दे कुरान ने ऐलान किया कद ना रात कल्लू बजगी का फीसा मा केड़ा चेहरा जिदे बारे फरमाया वजूगा वजूगा अल्लाह अकबर इंज करके चेहरा वेखिया है ना वेख करके दा नाम अब्दुल्ला बिन सलाम ना यहूदियां दा आलिम ना तौरात जबूर अंजील दा जनाब इलम रखन वाला ना बोल किया दा कायनात लोगो इनू तुसी झूठा माज लांदे हो ना इनू तुसी मजनू ते दीवाना आंदे हो ना। आओ अब्दुल्ला बिन सलाम पूरी कायनात नू पैगाम देना चाहंदा एडा सोहना चेहरा कदी झूठा हो सकदा एडा सोहना चेहरा कदी झूठ बोल सकदा। ये कौन है यहूदियां दा आलिम है यहूदियां दे आलिम दी जुबान है ते मेरे पैगंबर दी सच्चाई दी गवाही है। आज तू भी ते उस पैगंबर दा कलमा पढ़िया है ना तेरे ते तेरा भाई सका यकीन करदा नहीं करदा बोल के वेख उन्हूं कोई भी उन्हूं गल दस कहेगा उन्नी देर मैं यकीन करना जिन्नी देर तक तू कुरान सिर ते ना रखिया जितनी देर तू कसम ना उठाई अपनियां अदालतां दे हाल वेख लो अपने जनाब कटहरियां दे ए पिंडां दियां जनाब चुदराहटां दे जनाब अंदाज वेख लो कोई बंदा भी उन्नी देर यकीन नहीं करदा जिन्नी देर तक कसम नहीं। ए मुसलमानी है ना ए पैगंबर दा कलमा पढ़िए यारो ओ पैगंबर जिदे बारे काफर गवाहियां देन या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनु मअस्सादिकीन वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्दिकी वसद्दक बिही। कायनात दे लोगो मुहम्मद झूठा हो सकदा ते मुहम्मद दे उम्मती अज झूठे हो गए ने खुदा रा अपनी सलाह कीजिए। अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे पैगंबर मैं ते इंज कहना चाहना कि अब्दुल्ला बिन सलाम पता की कहंदा होएगा जो मेरे पैगंबर का चेहरा वेखिया अपने अल्फाज अंदर इंज तर्जमा कर लवा अल्लाहु अकबर अल्लाह ओ जब जिक्र छिड़ा हुस्ने महबूब का वज़ोगा कह दिया वल कमर पढ़ लिया। क्यों भई इंजी है कि नहीं जदों मेरे पैगंबर दे रुखसारां दी बात आंदी है वज़ोहा कह दे वल कमर पढ़ लई दे वजह मेरे पैगंबर पूरी कायनात तो सोने ने इन्ना चन भी सोना नहीं जिन्ना मेरे पैगंबर दे रुखसार सोने ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह ओ जब जिक्र छिड़ा हुस्ने महबूब का वज़ोगा कह दिया वल कमर पढ़ लिया आयतों से मिलाता रहा आयतें आयतों से मिलाता रहा आयतें फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। पढ़ो सल्लल्लाहु
अम्मा जी आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा नु किसे नु पुछया मां जी अल्लाह दे पाक पैगंबर दा हुसन अखलाक क्या है, फरमाया कान खुलुकुहुल कुरान, कुरान सारे दा सारा मेरे पैगंबर दा अखलाक बयान कर रहे, मेरे पैगंबर दे हुसन दा तस्करा कर रहे। अल्लाहु अकबर अल्लाह हजरत जीवकार, आइए कुरान पाक दा ए मुकाम दोबारा समाप्त कीजिए। फरमाया वल्लजी जा बिस्सिदकी वसद्दक बिही उलाइका हुमुल मुत्तकून, फरमाया जड़ना ते सच नाजल गोया जेड़े सच लेके आए ने सच्चे ने, और जिन्होंने सच की तस्दीक की थी वह भी सच्चे ने। सच की तस्दीक करने वाले कौन ने, मेरे पैगंबर दे यार ने, मेरे पैगंबर दे अबू बकर सच की तस्दीक करने वाले। हजरत अबू बकर सच्चे ने, हजरत उमर सच्चे ने, हजरत उस्मान सच्चे ने, हजरत अली सच्चे ने। मैं इंज कह लवा अपनी बात नु मुख्तसर करा, हजरत अबू बकर दी अलीफ तो लेके अली दी या तक मेरे पैगंबर दा हर सहाबी ईमान वाला भी है। और मैं काली जुबान वाले नो, काले दिल वाले नो, काले लिबास वाले नो और झूठे बंदे नो पैगाम देना चाहना, आज अली दा नाम ते लेना है, आज अबू बकर दा नाम ते लेना है, मगर अपनी जुबान तो झूठ क्यों बोलना है। अबू बकर दी अलीफ तो लेके अली दी याद तक मेरे पैगंबर दा हर सहाबी ईमान वाला भी है, सच्चा भी है। अल्लाह अकबर। पता की चलिया कि सब तो पहला सच बोलन वाला कौन है, बोलो। सब तो पहले सच बोलन वाला अल्लाह है, फिर रब दी जमीन ते सच बोलन वाले अंबियाए कराम दी जात है, फिर अंबियाए कराम दे जेड़े सहाबा ने ओ कौन ने, सच बोलन वाले ने। ते मैनू तेनू भी चाहिदे सच बोलना। की चाहिदे? कोई भी जिंदगी दे अंदर मामला आ जाए सच दा दामन छोड़ना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इन्हां ने सच बोले है ते तां रब दे कुरान अंदर इन्हां दा तज़करा महफूज हो गया। क़यामत दियां कंधां तक कोई भी खतीब, कोई भी अदीब, कोई भी वास करन वाला जदों भी कुरान दी आयत दा जिक्र करेगा ना, मेरे पैगंबर दे यारां दा जिक्र जरूर आएगा। क्यों? उन्होंने अपनी सारी जिंदगी के अंदर जो इस्लाम कबूल कर लिया, फिर झूठ दा दामन छोड़ दिते, सच दा दामन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हजरात दिवकार फिर इंज क्यों ना कह लिए, ओना दितिया ने जाना नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। ओना दितिया ने जाना नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। ओना दितिया ने जाना नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। ओ सफरां दे विच जिन्ने कंधियां ते चाया है, ओ सफरां दे विच जिन्ने कंधियां ते चाया है, सब भावें डंग मारे यार ना जगाया है, सब भावें डंग मारे यार ना जगाया है, ताइयों रब ने भी रुतबे
कमाल दिते ने हबशी नू वेख लो जरा नहीं जे डोलिया हबशी नू वेख लो जरा नहीं जे डोलिया कोलियां ते लेट के भी होली नहीं जे बोलिया केवें सानू हौसल बिलाल दिते ने केवें सानू हौसल बिलाल दिते ने ताइयो रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने अल्लाह अकबर अल्लाह हजरात जीवकार सुनिए सच दे मुतलक मेरे पैगंबर दा एक फरमान अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया वा बैती फी वस्तिल जन्ना लिमन तारा कल कज़बा फरमाया कायनात दे लोगो जेड़ा बंदा सच बोलदा है ना जेड़ा बंदा सच बोलदा है ना सच दा दामन पकड़ लेंदा है ना जेड़ा बंदा मजाक दे अंदर झूठ नहीं बोलता फरमाया अल्लाह कल क़यामत वाले दिन उस बंदे नो जन्नत भी अता कर दे और जन्नत दे दरमियान दे अंदर एक महल भी अता कर देंगे अल्लाह अकबर फरमाया जेड़ा बंदा सच बोलता है मजाक दे अंदर भी झूठ नहीं बोलता अगला फरमान फरमाया जेड़ा बंदा मजाक दे अंदर झूठ बोलता है ना अल्लाह ताला उस बंदे नू हलाक कर देंगे। अज वेखो जरा अपने माशरे दे अंदर बड़े मजाक दे नाल असी झूठ बोलने आ बल्कि साडे मुल्क पाकिस्तान दे अंदर ना एक दिन यानी के गालबन उन्हें यकम अप्रैल किया जांदे उस दिन स्पेशल नौजवान झूठ बोलते हैं झूठ बोल के गलत गलत खबरां लोगों के अंदर यानी के फैलाइया और आगे आ जाओ उठाइए अखबार रोजाना थानू कोई ना कोई झूठ नजर जनाब सुर्खियां दे नाल झूठ दे नाल सुर्खियां अखबारां और टीवी के सामने बैठ जाओ जनाब पढ़िया पढ़िया झूठिया खबरां और करोना के दिनों के अंदर कोई थोड़ा झूठ चले है मुसलमाना दा मुल्क है मुसलमान एंकर ने मुसलमाना दे चैनल ने ते चल की रहे है झूठ चल रहे मेरे भाइयो खुदारा मजाक दे अंदर भी झूठ और मेरे पैगंबर ने फरमाया जड़ा सच बोलेगा मैं मुहम्मद गारंटी बशारत देना रब नु अपनी जन्नत दे अंदर ऐसा महल अता करेगा जन्नत दे दरमियान वस्तिल जन्ना फरमाया जन्नत के दरमियान अंदर होएगा और होएगा किंजदा फरमाया बंदा बारों गुजरदा होएगा अंदरूनी हिस्सा नजर आंदा होएगा अंदरों बैठ के बिरूनी हिस्सा यारो अगर जन्नत चाहिए फिर झूठ बोलना अल्लाह अकबर अल्लाह याद रखिए जेड़े झूठ बोलते ने उन्हों का अंजाम कुरान अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह ताला दे कुरान दा पहला मुकाम झूठ बोलन वालियां दा अंजाम फरमाया वल्लज़ीना कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फीहा खालिदून अल्लाह अकबर अल्लाह फरमाया कायनात दे लोगो जेड़े कुफर करदे ने झूठ बोलदे ने अल्लाह ताला ने उन्हां वास्ते जहन्नम तैयार कर दीती है ना अल्लाह अकबर आइए अल्लाह दे कुरान दा दूसरा मुकाम फरमाया लानतुल्लाही अलल काज़िबीन फरमाया कायनात दे लोगो जेड़ा बंदा
झूठ बोल देना, जेड़ा बंदा सच दा दामन छोड़ देंदा है। फरमाया ओदे ते अल्लाह ताला दी लानत गए, अल्लाह ताला दी लानत गए। मेरा वीर अगर तू झूठ बोलना है अपनी इसलाह कर ले, अपने गरेबान दे अंदर नजर दुड़ा ले। अल्लाहु अकबर अल्लाह, मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दा एक फरमान सुनिए जरा। अल्लाह दे पाक पैगंबर इंज तशरीफ फरमाने, सहाबाए कराम गिरदा गिरद जमाने। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाने, मेरे सहाबाए कराम तुहानू मैं कबीरा गुनाहां दे अंदरों भी बड़े गुनाह नां दसां। जी जी अल्लाह दे पाक पैगंबर जरूर बतलाइए। फरमाया मेरे सहाबा शिरक जेड़ा है ना बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है ना। फिर मेरे पैगंबर ने फरमाया वालिदैन दी ना फरमानी करना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाहु अकबर। रावी बयान कर दे मेरे पैगंबर इंज तकिए दी टेक लगा करके बैठे ने, तीसरा गुनाह बयान करन तो कबल मेरे पैगंबर इंज करके जनाब टेक छोड़ दीती है ना, और मेरे पैगंबर सीधे होके बैठ गए। और मेरे पैगंबर ने फरमाया मेरे साहबाए कराम ए जेड़ा झूठ है ना ए भी कबीरा गुनाह है ना, ए जेड़ा झूठ उठे ना ए कबीरा गुनाह। मेरे पैगंबर फरमाने ने मेरे सहाबा ए दे तो बच जाओ, अगर रब दी जन्नत चाहिए ना, अगर कामयाबियां चाहिए ने झूठ तो बच जाओ। अल्लाहु अकबर अल्लाह, आज असी झूठ नो बड़ा मामूली समझ लिया है। अल्लाहु अकबर। सही उल बुखारी मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने कायनात दे लोगो आयतुल मुनाफिक सलासा, फरमाया मुनाफिक बंदे दियां तीन निशानियां ने, उन्हां तिन्हां दे अंदर अपने मजमून दे मुताबक जनाब। पहली निशानी फरमाया इज़ा हद्दसा कादाबा, जिदों भी गल कर देना झूठ बोल देना, जिदों अपनी जुबान तो कोई भी जुमला कहंदे ना झूठ दे अंदाज अंदर कहंदे। फरमाया जेड़ा बंदा झूठ बोलदे ना कौने मुनाफिके कौने, फरमाया झूठ बोलन वाला मुनाफिक है। ते मेरा भाई आज तू कितने झूठ बोलने, कदी अपना जमीर नू पुछिया कि मैं कितने एक दिन दे अंदर गलत बयानियां करना। खुदारा इस जुर्म तो बाज आ जाओ, एक गुनाह बहुत बड़ा है इद तो बाज आ जाइए, वरना रब दी अदालत दे अंदर छुड़ान वाला। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अल्लाह ताला दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर दे कोल एक जनाब इराबी आंदे आ की अर्जन कर दे, अल्लाह दे पाक पैगंबर जी कलमा पढ़ना चाहना, मगर कलमा पढ़न तो कबल मेरे अंदर चार गुनाह ने। जाहरी बात है जदों मैं कलमा पढ़ लेना तुसी जनाब हुक्म देने गुनाहों नूं छोड़ दिता जाए, गुनाह करने नहीं करने, नेकियां करनियां ने। मगर सुनिया ये चार गुनाह जेड़े ने ये मैडी छेती नहीं छोड़ सकता। अल्लाह दे पाक पैगंबर जी इन्हां चौं दे अंदरों एक गुनाह जेड़ा है ना वो मैं छड़ सकना, जेड़ा मर्जी तुसी मैनू हुक्म दे दिया जे। फरमाया केड़ा केड़ा तेरे अंदर गुनाह है सोनिया, जिना भी करना, शराबा भी पीना, झूठ भी बोलना, चोरियां भी करना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह दे पाक पैगंबर इन्हां चौं दे अंदरों एक छोड़ांगा। अल्लाहु अकबर। मेरे पैगंबर फरमांदे ने कलमा पढ़ लै, कलमा पढ़ लिया मुरीद बन गया सहाबी बन गया। मेरे पैगंबर फरमांदे ने
बेलिया इन्हां चौं गुनाहां दे अंदरो झूठ बोलना, झूठ नहीं बोलना। अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दी मजलिस अंदरों उठिया इना अपने गांव दे अंदर अपने पिंड दे अंदर चला गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हुण जिंदगियां बसर करदा पिया इना दिल कीता है जनाब जिना करन ते। अल्लाह अकबर, फौरन दिल अंदर ख्याल आया यार अल्लाह दे पैगंबर दे नाल जदों मुलाकातां करनियां ने अगर मेरे पैगंबर ने मेरिया मुरीदा की करके आया अपनी जुबान तो गलत बयानियां करांगा, अगर गलत बयानियां नहीं करांगा फिर जनाब झूठ बोलांगा। ना ना जिना नहीं करना, दिल कीते शराब पीण ते यही सवाल दिल अंदर पैदा हो गया। अल्लाह दे पैगंबर दे नाल मुलाकातां कौन गियां जवाब की दवांगा, या तो झूठ बोलांगा, अगर झूठ नहीं बोला सच बोलांगा हद मुकर्रर होएगी। अल्लाह अकबर, दिल अंदर ख्याल आया जनाब चोरी करन ते फिर यही सवाल पैदा हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह चंद दिनां तो बाद मेरे पैगंबर दी मजलिस अंदर हाजिर होया इना आके अर्जा करदा अल्लाह दे पाक पैगंबर जी तुसी फरमाया सी झूठ नहीं बोलना, सोनिया मैं झूठ छड़ दिता है ना, सोनिया झूठ नहीं बोलिया। अल्लाह ने झूठ ना बोलन दी वजह तो जिना दी आदत भी छुड़ा दीती है, शराब दी आदत भी छुड़ा दीती है ना, चोरी दी आदत भी छुड़ा दीती है ना। मेरे पैगंबर फरमांदे ने ओ मेरे सहाबिया मेरा पैगाम नोट कर ले, जेड़ा झूठ है ना हर गुनाह दी जड़े ना हर गुनाह दा बुनियादी गुनाह है ना। फरमाया बंदा जनाब झूठ बोलता जांदे गुनाह करता जांदे और अपने आप नो जहन्नम दा ईंधन बनांदा जांदे। अल्लाह अकबर, फरमाया झूठ हर गुनाह दी जड़ है, हर गुनाह दा बुनियाद है। मेरे भाई आज असी झूठ बोलने आ ता हर गुनाह करने आ, खुदारा झूठ छोड़ के देखिए अल्लाह हर गुनाह तो महफूज फरमा देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनु मासादिकीन, फरमाया सच बोलना है और सच्चियां दे लड़ लग जाना है। झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ नहीं बोलना। अल्लाह अकबर, अल्लाह इंज करके सुन जरा सूरह अत्तौबा गए और आयत नंबर 118 गए एदी तफसीर तेरे सामने रखन लगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरे पाक पैगंबर ने हुक्म दिता ना मेरे सहाबाए कराम गजवाए तबूक की तैयारी करो ना। सहाबाए कराम ने अल्लाह अकबर हजरात कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना। और याद रखो कुछ भी हो जाए जिंदगी अंदर मुश्किल तो मुश्किल वक्त आ जाए झूठ बोलना नहीं। और याद रखो जेड़ा बंदा झूठ बोल दे अपना वकार खराब कर लेंदे। झूठे बंदे दे कदी किसी ने यकीन किया? वो एक कहानी भी है तकरीबन हर साथी ने पढ़ी है स्कूल दी किताब अंदर, तकरीबन चौथी पंजवी दी किताब दे अंदर ना एक कहानी, एक बकरियां दा चरवाहा बकरियां चरान वास्ते ना बाहर आंदे और मैदान दे अंदर आके बकरियां चरांदे और जदों उहदा दिल करदे पिंड वालियां दे नाल मजाक करदे की कहंदे इस तरह दरख्त दे उपर चढ़ गया, आवाजा लगाइया लोगो मैनु बचाओ शेर आ गया, लोगो मैनु बचाओ शेर आ गया। एक दफा कीता, दो दफा कीता, तीसरी दफा कीता, लोग आए जदों आंदे बचाण वास्ते जनाब डांगा सोटे हथ अंदर पकड़े बचाण दी गर्ज़ो गायत दे नाल आए
ते वेख के हस पैंदा मुस्कुरा पैंदा और कहंदा कि मैं ते तुहाडे नाल झूठ बोलिया। मैं की कीते झूठ बोलिया, मजाक कीता। चौथी मर्तबा शेर हकीकत अंदर आ गया, दरखत ते चढ़ गया, आवाज़ा ने ना लोगो मैनु बचाओ, पिंड डालियो मेरी मदद करो। किसी ने मदद की थी। और यकीन जानो इस कहानी के अंदर बहुत बड़ा सबक है। जिदो कोई भी नहीं आया, शेर आया, बकरियां दा जनाब नुकसान कीता, एदा नुकसान कीता, पता चलिया झूठा बंदा माशरे के अंदर अपना वकार खराब कर लेंदे, फिर ओदा नुकसान ही नुकसान है। दुनिया के अंदर भी नुकसान, आखरत के अंदर भी नुकसान। कुछ भी हो जाए झूठ बोलना। अल्लाह अकबर, अल्लाह हजरत जिवकार गजवाए तबूक गए, मेरे पैगंबर ने फरमाया जंग दी तैयारी करो। सहाबा ने तैयारी कर लिए नाल, और एक सहाबी ने नाम हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह को तआला को गए, अल्लाह अकबर। दिल अंदर ख्याल आया अल्लाह ने बड़िया आसानियां पैदा कीतियां ने, अल्लाह ने बड़िया फरावानियां पैदा कर दितियां ने। आज नहीं कल चले जावांगे, कल नहीं परसों चले जावांगे। अल्लाह अकबर। दिन गुजरते जा रहे मदीने दे अंदरों मेरे पैगंबर और मेरे पैगंबर काफले नु नाल लेके चले गए ने। अल्लाह अकबर। मैदान दे अंदर पहुंच गए ने, मेरे पैगंबर ने उथे जाके फरमाया मेरे सहाबा हजरत काब क्यों नहीं आए। साथियों ने अर्ज की थी सोने कोई वजह का पता नहीं। अल्लाह अकबर। इधर सैयदना काब दे दिल अंदर ख्याल ना, आज नहीं कल चले जावांगे, कल नहीं। अल्लाह अकबर। दिन गुजरते जा रहे हत्ता के मेरे पाक पैगंबर दे वापसी दियां खबरां मिल गईयां ने। अल्लाह अकबर। मदीने दे अंदर मेरे पैगंबर पहुंच गए ने, और मेरे पैगंबर दी आदत मुबारका जदों दी भी वापस आंदे ने पहले मस्जिद दे अंदर आंदे ने, दो रकत नमाज अदा करदे ने। इस तरीके दे नाल नमाज अदा कीती है ना, सहाबा आ गए ने। अल्लाह अकबर। ओ लोग भी आ गए ने जेड़े लोग गजवे दे अंदर शामिल नहीं हो सके, उन्हां दे अंदरों 80 मुनाफक ने, 3 सहाबा इकराम ने। इंज मुनाफका ने कितारां लगा लिया ने और अपना अपना उजर बयान करते पे ने। सोनिया मैनू ऐ प्रॉब्लम ना, मेरा ऐ उजर ना, मैं ता नहीं आ सकिया। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर इन्हां वास्ते दुआ इस्तगफार कर रहे ने। इसे तरीके दे नाल हुण सब तो पिछे मेरे पैगंबर दे सहाबा ने, ये जिहड़े सहाबा ने इन्हां दे अंदर 2 बजुर्ग ने, हजरत काब जवान ने। इंज करके हजरत काब रजी अल्लाह को ताला अनको फरमांदे ने, मेरे दिल अंदर ख्याल आंदा पिया है कोई ना कोई गल बना लेना, कोई ना कोई उजर बना लेना। अल्लाह अकबर। इंज करदियां करदियां मेरी बारी आ गई है ना, इंज मैं पैगंबर दे सामने दो जानो हो करके बैठ गया, और मेरे पैगंबर फरमाते ने हाँ भई काब क्यों नहीं गजबे के अंदर शामिल हो सकिया। सुनना नौजवानों, सुनना बुजुर्गो, अल्लाह अकबर। झूठ बोलन वाला बंदा कदी कामयाब नहीं होया करता, सच बोलन वाला एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाया कर दे। दुकान ते बहने सच दा दामन पकड़िया कर, तजारत करने सच दा दामन पकड़िया कर। मेरी मां बहना तू भी सच बोलिया कर। अल्लाह अकबर। अपनिया औलादा नू सच दा पैगाम दे जाओ, अपनिया औलादा सच दी
तरबियत कर जाओ ताकि माशरा ठीक हो जाए, ताकि माशरे का बिगाड़ खत्म हो जाए। रब्बे काबा की कसम, सच जेड़ा आम हो जाए, झूठ मुक जाए, अल्लाह माशरे नू हर खराबी तो पाक कर देगा। हजरत काब रजी अल्लाह को ताला अनघो अर्जा कर देने, सोनिया तुहानू पता ही ना मैं गल बात बना अंदर माहरा, सोनिया गल बना सकना, सोनिया कोई ना कोई उजर बयान कर सकना, मगर ना ना मैं अपनी जबान तो झूठ नहीं बोलना चाहता। सोनिया सच्ची पूछ दियो ना, कोई उजर नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई कम नहीं, सोनिया बस गफलत हो गई है ना। अल्लाह दे पाक पैगंबर मुस्कुराए ने, आप दे मुस्कुरान दा अंदाज, बाज दफा मेरे पाक पैगंबर गुस्से दी हालत अंदर भी मुस्कुराया कर दे, खुशी दी आलम अंदर भी मेरे पैगंबर मुस्कुराया कर दे। और मेरे पैगंबर ने फरमाया काब तेरा मामला अल्लाह दी सुपुर्द कर दिता है ना। अल्लाहु अकबर, दिन गुजरे ने हुण काब ते दिल अंदर ख्याल आ गया, अल्लाह ताला ने कोई ना कोई हुक्म जेड़ा है ना मेरे बारे नाजल करना है। अल्लाहु अकबर, मैं कुर्बान जावा, हुक्म आ गया, ऐ मेरा पैगंबर तुसी भी काब नू नहीं बुलाओगे, मदीने दे अंदर कोई भी सहाबी काब नू नहीं बुला आएगा। अल्लाहु अकबर, फरमान देने जदों ए हुक्म नाज़िल होया ना, इन्ने हालात तंग हो गए ने मेरे जनाब चचा जाद भाई भी मैनू नहीं बुलांदे, मैं इंज करके बाजारां दे अंदर गुजरदा, कोई मैनू बुलाण ते गवारा नहीं, बुलाए किंज, क्योंकि मेरे पैगंबर ने हुक्म दे दिता है ना कोई काब नू ना बुलाए। अल्लाहु अकबर, 40 दिन गुजरे ने, हुक्म कमा गया ना, ऐ काब अपनी बीवी नू अपने तो जुदा कर देना। हजरत काब ने अपनी बीवी नू जनाब अपने ससुराल ते भेज दिता है, अपने मेके दे अंदर भेज दिता है ना। हुण हजरत काब रजी अल्लाहु तआला अनहो अकेले ने, तन तनहा ने, कोई खाना पकान वाला नहीं, कोई खाना देन वाला नहीं, कोई जनाब दुख सुख दा साथ नहीं। हजरत का परेशान ने, रोंदे पे ने, अखां दे अंदरों आंसू ने, इंज करके जनाब मुल्के शाम दे अंदरों एक कासद आया है ना, इंज जनाब खत पकड़िया है ना, उस खत दे उत्ते की लिखिया है ना, ऐ काब अगर मदीने दे अंदर तेरा कोई ख्याल नहीं करदा, अगर मदीने दे अंदर तेरी कोई महारत नू नहीं समझदा, तेरी कोई जहानत नू नहीं समझदा, आना काब साडे कोल आ जा, असी तेनू वजार तां भी दवांगे, असी तेनू सदार तां भी दवांगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह, हजरत काब ने खत पढ़िए, पढ़न तो बाद फाड़िए, फाड़न तो बाद अग दे अंदर जला दिता है, और कासद नू पैगाम दे दिता, जाके अपने बादशाह नू पैगाम दे दई, रब्बे काबा दी कसम है मैनू वजार तां नहीं चाहिए, मैनू हुकूमत नहीं चाहिए, मैनू ते पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह दी गुलामी चाहिए ना, गुलामी चाहिए ना। ओए मेरे पैगंबर दे गुलाम बन जाओ, ओए मेरे पैगंबर दे सच्चे उबदार बन जाओ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह, है जे मेरे पैगंबर दे इस सहाबी ने ये अमल कीता है ना, रब नू ये अमल इन्ना प्यारा लगिया है ना, उधर हजरत काब रो रो के दुआवां कर दे पे ने, अल्लाह बोलिया ते सच ना, अल्लाह गुण ए मामला आजमाइशा किंज दिया आ गईया ने, कदी कदी सच बोलिया बड़ी वड्डी आजमाइश दा सामना करना पैंदा है ना। अल्लाहु अकबर, रोंदे पे ने, आंसू बगांदे पे ने, अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल कर दिता है ना, 50 दिन मुकम्मल हो गए, फरमाया वाला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफो, ऐ मेरा पैगंबर इन्ना तिन्ना दी मैं जनाब तौबा नू कबूल कर लिया है ना, काब दे नाल भी सुलह कर लो, और जेड़े दो
बुजुर्ग सहाबी ने उन्हें दिनाल भी सुला कर लो। अल्लाह अकबर है मेरे पैगंबर ते वहीदा नज़ूल होया। सहाबा कराम खुश हो गए ने। हर सहाबी अपना अपना पैगाम लेकर के आंदा पिया ना। इंज हजरत काब न खुश खबरियां दितियां ने। हजरत काब ने दौड़ा लगा दितियां ने। मस्जिद नबी के अंदर पहुंचे ने। पंडोरिया दिया बासिया नौजवान ते बुजुर्गा आखिरी अल्फाज ने इंज सैयद ना काब मस्जिद नबी के अंदर पहुंचे ने। मेरे पैगंबर ने मुसल्ला छोड़िया है ना और हजरत काब न अपने सीने दे नाल लाया है ना। और सीने दे नाल लाण तो बाद मेरे पैगंबर फरमांदे ने काब खुश हो जा अपनी जुबान तो सच बोलिए। अल्लाह ने रिजल्ट की दिता है। अल्लाह ने कियामत दियां कंधां तक तेनू मिसाल बना दिता है। और इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह फरमांदे ने कायनात दे लोगो उठाइए सूरह तौबा है आयत नंबर 118 और 119 है। फरमाया जिन्ना 80 मुनाफका ने झूठ बोले है अल्लाह ताला ने कियामत दिया कंधा तक उन्होंने जलील कर दिते रसवा कर दिते। सोनिया तेरे सामने बैठ के इन्होंने गलत बयानी की थी। महबूबा गवाह हो जा ए मुनाफक ने। मुनाफक कदी जन्नत के अंदर जा सकदा। और फरमाया जेड़े तेरे तीन सहाबी ने ना इन्होंने सच बोली है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनु मा सादिकीन। फरमाया सोनिया इन्हों का सच बोलना सानू एडा पसंद आए। असी आजमाइश ते थोड़े दिन इन्हां ते मुब्तला कीती है मगर सच दा रिजल्ट वाला सलासतिल लजीना खुल्लिफो। फरमाया इन्हां दा जनाब असी ए रिजल्ट की निकाले है कियामत दियां कंधां तक जेड़ा भी कुरान पढ़ता रहेगा हजरत काब दा जिक्र करदा रहेगा जदों भी सच और झूठ दा मजमून बयान होएगा सोनिया तेरे इस सहाबी दा जिक्र जरूर होएगा। मेरे भाइयो खुदारा अपनी सलाह कीजिए। मां जिंदगी दे अंदर कोई भी परेशानी आ जाए कोई भी मुसीबत आ जाए कोई भी जनाब बड़ी तो बड़ी आजमाइश आ जाए झूठ दा सहारा नहीं लेना। याद रखो एक झूठ बोलांगे फिर उन्हें छुपाने वास्ते 100 झूठ बोलना पेगा। आखिरकार एक ना एक दिन आएगा जिदो झूठ जेड़ा ओ जनाब सामने आ जाएगा। सच ऐसा होएगा एक सच बोलांगे चंद दिन आजमाइश आएगी और रिजल्ट की निकलेगा रब दुनिया ते भी कामयाब कर देगा और आखिरत के अंदर भी कामयाब कर देगा। हजरात सच बोलना पैगंबर की सुन्नत है। झूठ बोलना शैतान का काम है। पढ़िया नहीं पहले पारे के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे कोल जन्नत के अंदर शैतान आया हाद हिस्सा जा रहा। रब ने मना किया इस दरख्त के करीब नहीं जाना। शैतान ने कहा इस दरख्त के करीब चले जाओ रब तुहानू पक्का जन्नती बना देगा। झूठ बोलिया पता चलिया सच बोलना अल्लाह ताला दे अंबियाए कराम दी सुन्नत है। झूठ बोलना शैतान दा काम है। यारो रहमान वाले बनो शैतान वाले अल्लाह दे हुजूर दुआ है। जो कुछ सुनिया सुनाया अल्लाह अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाहुम अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।